हजारीबाग के विमेंस कॉलेज के छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने बताया कि कॉलेज में सिर्फ 3 शिक्षक हैं जो स्थायी नहीं हैं और उनकी कक्षाओं की संख्या भी सीमित है। छात्रों का दावा है कि वर्तमान में केवल 2 कक्षाएं हो पा रही हैं, जबकि उनके पास 3 सेमेस्टर का अध्ययन करना है, विशेष रूप से मल्टीमीडिया और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश के लिए भी शिक्षकों की कमी है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्र प्रतिनिधि चंदन सिंह ने बताया कि BCA विभाग एक सेल्फ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें छात्रों द्वारा दी गई फीस से ही ऑपरेशन चलता है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से शिक्षक नहीं मिलने के कारण अध्ययन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो हमें नौकरी पाने में कठिनाई होगी। छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से भी इस मुद्दे पर बातचीत की थी, जिन्होंने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विमेंस कॉलेज के छात्रों ने विश्वविद्यालय से मांग की है कि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, ताकि उनके अध्ययन में सुचारुता आ सके और उनके भविष्य की संभावनाएं सुरक्षित रहें। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लोग छात्र हैं, क्या कुछ परेशानी इन लोग को हो रही है? ये लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अधीन आने वाला वुमेन्स कॉलेज जो महाविद्यालय है उसी की छात्राएं हैं। ये लोग सब BCA डिपार्टमेंट से आते हैं। BCA डिपार्टमेंट जो है सो सेल्फ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट होता है और इसमें जो पैसे जो बच्चे देते हैं उसी से विभाग चलता है। पिछले 2 साल पुराने स्टूडेंट हैं ये लोग, अभी तक इन लोगों को शिक्षक की उपलब्धता नहीं हुई है और शिक्षक की उपलब्धता नहीं होने से इनका जो पढ़ाई है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। और चूंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो इनको ना नौकरियां मिलेंगी ना पढ़ने का कोई फायदा होगा, इसलिए आज बच्चे यहाँ पे आए हैं शिक्षकों की मांग कर। तकरीबन कितने दिनों से इन लोगों की पढ़ाई रुकी हुई है? लगभग 2 साल हो गया, अभी तक ये लोग 4th सेमेस्टर में चले गए हैं, लेकिन 4th सेमेस्टर तक भी ये लोगों को शिक्षक जो है सो उपलब्ध नहीं करा गया। कॉमन सब्जेक्ट है, मैथ्स के टीचर नहीं, इंग्लिश के टीचर नहीं है और BCA डिपार्टमेंट मतलब कंप्यूटर से भी रिलेटेड 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जिसके टीचर्स लोगों को नहीं मिला है। और यहाँ तक कि प्रैक्टिकल्स की एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल्स की पढ़ाई नहीं हो रही है और BCA आप जैसे कि जानते हैं कि BCA बिना प्रैक्टिकल का चलेगा। अच्छा, शिक्षक का अभाव कब से है? शिक्षक का अभाव शुरू से ही, जब से डिपार्टमेंट बना है तब से ही शिक्षकों का अभाव। तकरीबन कितने दिनों से? लगभग 2 साल से। क्या कुछ मांगे इन लोगों की? इन लोगों की मांग है कि शिक्षकों की नियुक्तियाँ वहाँ हो और शिक्षकों की उपलब्धता विश्वविद्यालय कराए वहाँ पे, जिससे इनका जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन सिंह है, झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र संघ के विनोबा भावे विश्वविद्यालय अध्यक्ष। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए लोग आती है तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग KV विमेंस के कॉलेज से हैं और वहाँ पे टीचर्स का बहुत ज़्यादा अनअवेबिलिटी है, मतलब वहाँ टीचर्स हैं नहीं। 3 टीचर्स हैं जो कि परमानेंट नहीं है और वो लोग है कि हाँ, उन लोग का लिमिटेशन भी है कि 30 क्लास ही लेना है और 30 क्लास सफिशियंट नहीं होता है हम लोग के लिए। 3 सेमेस्टर्स है, सुपर जूनियर्स और जूनियर्स भी आ चुके हैं, तो जिस कारण हम लोग का क्लास बस 2 ही हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले 3 क्लास हो रहा था बट अब वो भी नहीं हो रहा है और जिस कारण हम लोग को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। वो 2-2 सब्जेक्ट मल्टीमीडिया और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास नहीं हो रहा है, मैथ्स के टीचर्स नहीं है, इंग्लिश के टीचर्स नहीं है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। 1.5 साल से हम लोग 2 साल से यही बोलते आ रहे हैं, हम लोग VVU तक भी आए, रजिस्ट्रार से भी बात हुआ, वो लोग बोले भी ये चीज़ कि हम लोग सारा कुछ क्लियर करेंगे, बहुत जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम को, बट ये बस एक बात ही रह गया, कभी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ नहीं, तो इसलिए आज भी हम लोग VVU आए हैं। देखते हैं कि कितने जल्दी इसका एक्शन लिया जाता है। अच्छा, प्रिंसिपल से बात हुई थी? प्रिंसिपल से बात हुई थी, इसके पहले भी जो प्रिंसिपल थे उनसे भी बात हुई, बट कोई भी क्लियर हम लोग को रिटर्न लिख के देना नहीं चाह रहे। और आज भी हम लोग प्रिंसिपल के पास गए तो वो डायरेक्ट बोल दिए कि हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग के पास इतना मतलब नहीं है, हम लोग पावर की ये चीज़ लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट मना कर दिए। चाहती क्या आप लोग? हम लोग टीचर्स चाहते हैं ताकि वोकेशनल है तो एटलीस्ट हम लोग को नॉलेज मिल पाए। हम लोग पेमेंट देते हैं सबसे ज़्यादा 20,000 हम लोग का हर सेमेस्टर में पेमेंट लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नॉलेज मिले, पढ़ाई हो, एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट 4 हम लोग का रोज हो। अपना परिचय दीजिए। अनमोल कुमारी, KV विमेंस कॉलेज की छात्रा। सब्जेक्ट BCA। आप लोग को हो रही है, आप यूनिवर्सिटी में? मैं KV वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, BCA हमारा डिपार्टमेंट है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम BCA कंप्यूटर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और प्रेजेंटली जो हमारा चल रहा है उसमें कंप्यूटर का बहुत डिमांड है और हमारा जो कोर्स है वो पूरा कंप्यूटर रिलेटेड है, इसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी वो मतलब ज़रूरत है, दोनों की ही मतलब पूरा ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं तो प्रैक्टिकल हो जाएगा या प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे तो थ्योरी हो जाएगा, दोनों हमारे लिए नेसेसरी है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो
सब्जेक्ट हमारा 5 होता है हर एक सेमेस्टर से, पर हर एक सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट जो है वो छूट जाता है क्योंकि टीचर्स कम है। हम इसके लिए रेगुलर प्रिंसिपल से, डीसी से, रजिस्ट्रार से इसके लिए मांग कर रहे हैं, बट कोई वैसा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। बस हमें ये कह के बोल दिया जा रहा है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट इसका ये जो प्रॉब्लम है आज से नहीं, लगभग 1.5-2 साल हो गया है हम रेगुलर इसके लिए मांग कर रहे हैं, बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। बस हमें ये कह दिया जा रहा है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हम बीसीए के स्टूडेंट हैं तो हमारा जो मतलब कि जो पढ़ाया जाए वो ब्लैक बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, और हमारे क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स नहीं है क्लासरूम में, जो कि कंप्यूटर कोर्स के लिए कंपल्सरी है। वहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल या थ्योरी होता है वो कुछ ज़्यादा, अगर जब तक हम उसको देखेंगे नहीं कि वो होता कैसे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। उसके लिए स्मार्ट बोर्ड जरूरी, उसके लिए भी हम लोग रेगुलर कंप्लेन कर चुके हैं, बट उसका भी कुछ नहीं हुआ है अभी तक। चाहती क्या सर? हम बीसी के स्टूडेंट हैं तो हमें नॉलेज चाहिए, हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए, और उसके लिए टीचर्स चाहिए। तो हमें जो हमारा सब्जेक्ट छूट रहा है उसका टीचर्स चाहिए, और जो पढ़ाई हो रहा है हम चाहते हैं वो पूरा रेगुलर हो। आई एम पूर्णिमा भारती फ्रॉम के बी वुमेन्स कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ बीसीएस डिपार्टमेंट, सेमेस्टर 4। थैंक यू सर।